अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये जो गाड़ी है टोयोटा कैमरी है, 2006 मॉडल है। कस्टमर कह रहा है कि रोड पे चलते हुए कभी कभी गाड़ी झटके मारती है और मिसिंग करती है। अभी गाड़ी स्टार्ट है और चेक इंजन की लाइट भी आ रही है और इस तरह महसूस हो रहा है कि गाड़ी कभी कभी मिसिंग करती है और कोई सिलेंडर इसका काम करना छोड़ जाता है। तो स्कैनर में इसका DTC आ रहा है P1310 इग्निटर सर्किट, 3 नंबर कॉयल का कोड आ रहा है। ये कोड इसलिए बनता है जब आपकी कॉयल सही से काम नहीं करेगी या बिल्कुल काम नहीं करेगी तो ये आपका DTC सेट होगा। तो बाहर चलते हैं और जाके देखते हैं कि क्या मसला है। गाड़ी की बाहर वाली साइड पे आ गया हूँ, ये देख सकते हैं इसकी सारी कॉयलें लीक कर रही हैं। ये 4 नंबर कॉयल है, ये देखें, ये बूट से करंट बाहर आ रही है, लीक कर रही है। लीक होने की वजह से गाड़ी मिसिंग भी करेगी और इससे ये होगा कि आपका इंजन का जो बैलेंस है वो स्टेबल नहीं होगा और पेट्रोल भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा लीक कर रही है और ये हमारी 3 नंबर कॉइल है, ये देख सकते हैं, ये सही तरीके से काम नहीं कर रही। और इसका ग्रिप भी देख लें, सिलिकॉन लगी है अभी ताज़ी ताज़ी, लेकिन इसका ग्रिप लूज़ है और पिन्ने भी ऐसे थोड़ी सी खींचेंगे टूट जाएंगी। बाकी ठीक है ग्रिप इसके, ये 3 नंबर का कोड आ रहा था, इसको हम चेंज करेंगे और इसकी जो कॉइल है 3 नंबर और 4 नंबर, इन दोनों कॉइलों को चेंज करेंगे और कोशिश करेंगे ये दोनों ग्रिप चेंज कर देने चाहिए, जिससे हमारा जो मसला है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे ही हम 3 नंबर कॉइल और ग्रिप इसका चेंज करेंगे तो दोबारा ये कोड नहीं आएगा। तो वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।